तो आप बड़े आसानी से जियो टीवी को अपने एलईडी टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो ऐप चाहिए, वर्चुअल एक्सपर्ट और डिसेबल फ्लैग स्क्रीन। इन दोनों के लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्चुअल एक्सपर्ट को मैं ऑन कर देता हूं, उसके बाद ये ऐप को मैं ऑन कर देता हूं। तो देखिए इसे ऐप को ऑन करने के बाद इस तरह से ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, इसके मतलब आपका जो जियो टीवी है आपके टीवी में चलेगा। तो जो ऐप ऐड ऐप है उस पर मैं क्लिक कर देता हूं, उसके बाद डिसेबल फ्लैग स्क्रीन को क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूं। तो देखिए जो मेरा डिसेबल फ्लैग स्क्रीन है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिर से मैं ऐप पे क्लिक करके जो जियो टीवी है उसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। तो जियो टीवी को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा जो जियो टीवी है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें इसे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद ऐप के अंदर मैं जाता हूं, उसके बाद थ्री डॉट दिख रहा है ऊपर में, उस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपको यहां पर मॉडल्स दिख रहा होगा, तो मॉडल्स पर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपको यहां पर डिसेबल फ्लैग स्क्रीन को टिक कर देना है। टिक करने के बाद बैक आना है आपको, यहां पर जो सिक्स डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको यहां पर रिबूट कर देना है इसे। तो रिबूट कर देता हूं मैं, उसके बाद चलते हैं अपने एलईडी टीवी में। तो देखिए मैं जो मेरा फ़ोन को मैंने एलईडी टीवी से कनेक्ट कर दिया है, इसके बाद मेरे ये जो ऐप है इसे मैं ऑन कर देता हूं, उसके बाद मैं जियो टीवी को ऑन कर देता हूं। तो मेरा जो जियो टीवी है मेरे एलईडी टीवी से देखिए ओपन हो गया है। तो ये जो है इस तरह से आप अपने एलईडी टीवी में अपने जियो टीवी को चला सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना।